दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पुलिस के हाथों अपनी जान गंवा बैठते हैं। यहां के लोग न्यू ईयर ईव में लाल कलर की अंडरवियर प्यार के लिए और येलो कलर की अंडरवियर पैसे के लिए पहनते हैं। इस देश में एक ऐसी जनजाति रहती है जहां पे सभी लोगों का ब्लड ग्रुप एक ही है। इस देश ने सबसे ज्यादा फुटबॉल विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्राजील की, जिसकी धड़कनों में बसता है फुटबॉल। और तो और, ब्राजील को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं का देश भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं ब्राजील के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा ना लगे तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ब्राजील शब्द का नाम पुर्तगाली शब्द ब्राजील वुड से आता है। ब्राजील वुड एक पेड़ है जो ब्राजील के तट पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा देश है। यह दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या 21 करोड़ से भी अधिक है और यहाँ 180 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ब्राजील की संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी है और पुर्तगाली संस्कृति से ली गई है। भारतीयों, अफ्रीकियों और पुर्तगालियों की संस्कृतियों ने मिलकर ब्राजील को आधुनिक जीवन का मार्ग दिखाया है। इनसे प्रभावित होकर ब्राजील के लोगों ने भाषा, धर्म और रीति रिवाज को हासिल कर लिया है। ब्राजील एक समय पुर्तगाल का गुलाम हुआ करता था। सन 1822 में इसे पुर्तगाल से आज़ादी मिली और 15 नवंबर 1889 को ब्राजील गणराज्य को आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। ब्राजील में स्तनधारी जीवों, पौधों और मीठे पानी की मछलियों की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। यहाँ का वन्य जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। आप सभी जानते हैं कि ब्राजील ने दुनिया को कई महान फुटबॉलर दिए हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, और ब्राजील ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने सभी विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लिया है। यहाँ की लड़कियाँ फुटबॉल मैच के दौरान अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए इतनी एक्साइटेड हो जाती हैं कि वे अपनी टी शर्ट भी उतार देती हैं। दोस्तों, नए साल की पूर्व संध्या यानी न्यू ईयर ईव के दिन अगले साल को अच्छा बनाने या किस्मत को लाने के लिए ब्राजील के लोग एक अनूठी परंपरा को मानते हैं। इसमें वे लाल कलर की अंडरवियर अच्छे प्यार और येलो कलर की अंडरवियर अच्छा पैसा पाने के लिए पहनते हैं। डायमंड की खोज सबसे पहले भारत में हुई, फिर कुछ डायमंड्स ब्राजील में खोजे गए थे। ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे प्रभावशाली देश है, जिसकी आर्थिक शक्ति लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में इसने गरीबी दूर करने के अपने प्रयासों में बड़ी प्रगति की है। महिलाओं को सेना में शामिल करने वाला साउथ अमेरिका का पहला देश ब्राजील ही था। ब्राजील में 21 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें 14 सांस्कृतिक स्थल और 7 प्राकृतिक स्थल शामिल हैं। ब्राजील के बोरोरो लोग दुनिया के कुछ समूहों में से एक हैं, जिनका ब्लड ग्रुप एक ही है। इनका ब्लड ग्रुप ओ है। ब्राजील के लोग फैशन के प्रति बेहद जागरूक हैं। यहाँ का रहन सहन पूरी दुनिया से अलग है। इटली और फ्रांस जैसे देशों से ये ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। महिलाएं यहाँ ज्यादातर कम कपड़ों में ही दिखाई देती है। दुनिया के सबसे अच्छे बीचेस में से एक बाया डो सांचो बीच ब्राजील में ही है। यहाँ के 21 आइलैंड समुद्री पार्क बनाते हैं, जो हरे और हॉक्सबिल टर्टल्स, वेल्स, क्लॉनफिश, एनीमोन और पैरट फिश से भरे पड़े हैं। इनको देखने के लिए दूर दूर से गोताखोरों की टीम यहाँ आती है। हर साल यहाँ 6 मिलियन से भी ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं। एडवेंचर टूर्स, हेरिटेज साइट्स और खासतौर पर यहाँ के बीचेस देखकर आपका मन बदल जाएगा। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह तो आप वीडियो में ही देख सकते हैं। ब्राजील दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, लेकिन 21वीं सदी में इसे गरीबी, असमानता, शासन और पर्यावरण पर गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा है।
दोस्तों ब्राजील जाने से पहले आप वैक्सीन लगवाना ना भूलें, क्योंकि ब्राजील के कई इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में आपको वैक्सीन का सबूत दिखाना होगा। ब्राजील आने से पहले येलो फीवर की जांच की जाती है, खासकर कि जब आप अमेज़न जा रहे हों। यहाँ कुछ बीमारियों का प्रकोप होता है, इसीलिए पहले से जांच कर लेना ही अच्छा है। सन 1960 तक रियो डे जनेरियो ब्राजील की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन यह समुद्र किनारे मौजूद था, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से देखते हुए ब्राजील की राजधानी को रियो डे जनेरियो से बदलकर ब्राजीलिया कर दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि ब्राजीलिया का निर्माण केवल 41 महीनों में ही कर लिया गया था। ब्राजीलिया ऊपर से देखने पर एक एरोप्लेन की तरह दिखता है। अपने मॉडर्न आर्किटेक्चर और यूनिक आर्ट की वजह से ही इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना गया और ब्राजीलिया को सिटी ऑफ डिजाइन का नाम भी दिया गया। ब्राजील की मॉडल्स को आमतौर पर दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक माना जाता है। यहाँ की महिलाएं काफी बोल्ड और सुंदर होती हैं। ब्राजील की महिलाएं फिट रहने की जरूरत महसूस करती हैं और उनके पास जिम की आजीवन सदस्यता होती है, इसीलिए वो खुद को फिट रखती हैं। हॉट फिगर, बोल्डनेस और सेंसुअल होने की वजह से कई बार उन्हें अपमानित भी होना पड़ता है, लेकिन यह उनके लिए आम बात ही है, क्योंकि सेंसुअल और रोमांटिक होना उनकी संस्कृति का एक हिस्सा है और वैसे भी सुंदरता तो देखने वाले की नज़र में होती है। ब्राजील के बीचेस में तैरते वक्त आपको सावधान रहने के तीन अच्छे कारण हैं। पहला यह कि यहाँ पे कुछ पानी प्रदूषित है और आप इससे बीमार भी हो सकते हैं। दूसरा यह कि यहाँ की लहरें और धाराएं बहुत तेज होती हैं, जो कि किसी भी तैराक के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। तीसरा, यहाँ के बीचेस पर बुल शार्क के होने की संभावना होती है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जंगल ब्राजील से होते हुए अन्य 8 देशों तक फैला हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा ब्राजील में ही है और इन्हीं जंगल में 70 ऐसी आदिवासी प्रजातियां मौजूद हैं जिसने बाहरी दुनिया से कभी कोई संपर्क नहीं बनाया। ब्राजील के इन जंगलों में कई प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें विशालकाय एनाकोंडा और कई जहरीले और खतरनाक जानवर हैं। अमेज़न नदी देश के एक बड़े हिस्से से होकर गुजरती है। नदी के आसपास देश के 170 समूह रहते हैं और ब्राजील 225 समूहों का घर है। क्राइम के मामले में ब्राजील दुनिया के कई देशों में आगे है। ड्रग्स की तस्करी भी यहाँ सबसे ज्यादा होती है। बाकी देशों के मुकाबले ब्राजील में ड्रग्स काफी कम दामों में मिलती है। हत्या दर के लिहाज से दुनिया के टॉप 20 शहरों में से 10 शहर ब्राजील के ही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की, रियो कार्निवल। ब्राजील में होने वाला यह कार्निवल कई मायनों में सबसे अलग है। माना जाता है कि 18वीं सदी में पुर्तगाल से यह कार्निवल ब्राजील आया। रियो कार्निवल का महत्व ब्राजीलियन कल्चर में बहुत जाता है। इसमें करीब 20 लाख लोग हर दिन रियो की सड़कों में इस त्योहार को मनाने के लिए उतरते हैं। भीड़ को संभालने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज और गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद रहते हैं। कार्निवल को मनाने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। हर साल करीब 66 अरब रुपए इस कार्निवल के सेलिब्रेशन पर खर्च होते हैं।